भाई अमेजोन के ऊपर 36,000 का है ये अपना एलईडी बैग, फर्स्ट इन मुंबई। तो अब ये पहली वीडियो होगी जो मुंबई से किसी ने डाली है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस योर फ्रेंड तने कुमार और आज हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जो कि आप थंबनेल देख के जान ही चुके हैं क्या है। ये है अपना मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट फ्यूचरिस्टिक बैग जो कि है यहाँ पे एलईडी बैग, फर्स्ट इन मुंबई। और अभी तक यही एक पीस यहाँ पे है जो आप लोगों के सामने। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो मेरे को काफ़ी टाइम से करना था, मतलब मैंने सोच रखा था कि अपने रूम में थोड़ा करेंगे वो, जो शायद पसंद आएगी कुछ लोगों को। तो ये है हमारा वॉल कलेक्शन नो वे होम से, तीनों स्पाइडरमैन, आयरन मैन, फर्स्ट एवेंजर ओरिजिनल सिक्स और एंड गेम से सारे यहाँ हैं। और फिर मैंने सोचा एक अपनी भी फ़ोटो लगा लेते इधर, और इनको तो देख के बचपन ही गुजरा है। बेन 10 और फिर ब्लीच से और सेवन डेडली सिंस से एस्केनोर और मेलियोडस। अब ये जो तीन जगह बची यहाँ पे एक एक तीनों आ जाएंगी फोटो। यहाँ पे ये पोस्टर उधर लगेगा गोकू का, सुपर सैयन 3 का, बाकी न्यू ईयर तक हो ये हो जाए कंप्लीट। कल मैंने इसको बैठ के टाइम लगाया और इसको कंप्लीट किया कि आज वीडियो शूट करना है, तो थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा ये बैकग्राउंड के अंदर। तो करते हैं अनबॉक्सिंग अब इसकी। तो भाई सही बता रहा हूँ, इस बैग के लिए मैंने इतना वेट किया है जिसकी हद नहीं, और फाइनली ये इधर है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुंबई में फर्स्ट अपने पास ये बैग है, ओनली वन पीस। पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना, अगर ये दो शब्द लिखोगे ना एलईडी बैग इन मुंबई, तीन हो गए सारी, तुम्हारे को एक भी वीडियो नहीं दिखेगी, सारी तुम्हारे को वहाँ की दिखेगी दिल्ली बैंगलोर और यहीं दिखेगी। तो अब ये पहली वीडियो होगी जो मुंबई से किसी ने डाली है, मतलब देख लो। अब ये हमारे पास है, हमारे चैनल ने पहली बार इस बैग की अनबॉक्सिंग करी है मुंबई के अंदर, और अब हम इसको ओन भी करते हैं। ये हमारा ही बैग है, सिर्फ अनबॉक्सिंग के लिए नहीं है भाई। भाई भारी बहुत है एक तो, और बड़ा भी बहुत है। यहाँ पे जिम पावर नहीं दिखा सकते यार, बैग का बॉक्स बहुत बड़ा है। बैग का बॉक्स देखकर ही मेरे तो बहुत खुशी हुई है। पैकिंग बहुत अच्छी करती दी है, ऐसे होनी भी चाहिए थी। मतलब जो भी जिन लोगों को बाइक्स में इंटरेस्ट है या कुछ गैजेट्स होते हैं, जो कुछ स्टिक्स होते हैं या शॉप के लिए, उनको ये बैग बहुत पसंद आया होगा, पक्की बात है। भाई इसका बैग का क्वालिटी इतना प्रीमियम है ना, ये देखो भाई, ये रहा लॉय की ब्रांडिंग LOY लॉय, और ये रहा अपना बैग। बैग अच्छा है और वो भी रेड से कर रखा है, तो मेरे को और पसंद आ रहा है। अच्छा ये ओपन करने वाले हैं, इससे पहले इसके जरा ऐप देखो। तो ये बैग जो है ऐप से कंट्रोल होता है, और ऐप लिटरली एक नंबर है, मतलब अगर ऐप तुम देखोगे ना तो इसकी याद आ जाएगी, टोनी स्टार्क याद आ जाएगी, जार्वेस जो उसका था वैसा AI है। तो भाई जरा इसका ऐप देखो कैसा है, ये ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर और अपने एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल रहेगा, तो आप जो भी यूजर हो उसको डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। LOY और I आ जाएगा आगे, लॉय I, ठीक है। अब जरा इसका एनिमेशन देखना, जरा कैसे एनिमेशन है, इसलिए मैंने इतना क्लोज रखा है। अब ये देखो भाई साहब, मेरे को पता नहीं कि ये तुम्हारे को कितना अच्छे से दिखा, बट ये लिटरली तो 3D होता है ना, बिल्कुल वैसा निकल के आ रहा है भाई, कच्चा भाई। ये चीज़ ये देखो, यहाँ से ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, ऑन ऑफ का ये रहा, और फिर सारे यहाँ पे जो भी आप आए लगाना चाहिए। चलो इसके बारे में तो अच्छे से बाद में बताऊंगा, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एक बार। और बैग के लिए हैंडल्स आए, मतलब अच्छा क्वालिटी है, बैग जैसा प्रीमियम है ना। तो फाइनली बैग, ओ भाई साहब ये तो भारी भी है काफी, मतलब खैर अभी तो भारी लगेगा ही, थैली के अंदर उठा है। तो ये रहा अपना लॉय का LED बैग, चलो ओपन करते हैं। पैकिंग सही में बहुत अच्छी करके दिया, देखो ये
एलईडी पॉलिथिन हटाने के बावजूद भी एक बैग और हल्का सा है ये, काफी ये बैग तो संभाल के रखना, मतलब इन केस आपको कहीं जाना हो तो आप इसमें लेके इसको कैरी कर सकते हो। मेरे को भी कभी जाना हो कहीं एयरपोर्ट या कहीं पे तो मैं इसके अंदर ही कैरी करूंगा इसको, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। मतलब ये काफी हार्ड है और सॉफ्ट है, अंदर से बाहर से हार्ड है, तो मतलब इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, रेडी हो? फाइनली ये ऐसी चीज यार, सेक्सी जिसने भी बनाई है। तो इसकी बैग की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 30 लीटर्स तक है। इसमें आराम से बड़े से बड़ा हेलमेट आ जाएगा और मेरा हेलमेट भी आ जाएगा इसके अंदर, ये तो अभी हटाएंगे। और बता दूँ स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है, पूरा वाटर प्रूफ है, आपको पानी से भी दिक्कत नहीं होगा। मुंबई में जो बारिश बरसात होती है तो आपको कोई इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली वाटर प्रूफ है। फिर उसके बाद इसके अंदर जेबें, देखो एक इधर है, ठीक है, और एक ये इसका मिडल के अंदर आप लगा सकते हो, लॉक करना होगा आपको कमर से बीच से। और बैग का क्वालिटी बहुत प्रीमियम है सही में, अभी मैं और पास से दिखाऊंगा। ये मतलब कार्बन फाइबर जैसा लग रहा है, बट है नहीं कार्बन फाइबर, बट लग वैसा ही रहा है। सही है, ये भी ये रहा इसका यूजर मैनुअल, जो कि देखेंगे ये पावर बैंक इधर कनेक्ट होगा, ठीक है, तो ये पावर बैंक से ही ऑब्वियसली चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कुछ जनरेट करेगा। तो ये लैपटॉप बैग है बेसिकली, अंदर से आप देखेंगे ना आपका लैपटॉप भी इधर आ जाएगा। और ये इसके स्कैनर जो ऐप मैंने अभी ये दिखाया, वो एक्स्ट्रा स्टिकर भी है स्कैनर के, चलो अच्छी बात है ये तो। तो भाई बैग की क्वालिटी देखो बहुत प्यारा, मेरे आउटफिट के साथ मैच तो करेगा, देखा जाए तो इस आउटफिट के साथ चलेगा। वैसे ही रेड में होता ना तो और भी अच्छा रहता, बट ये ब्लैक भी बढ़िया है, मैं इसको मॉडिफाई नहीं कराऊंगा, रन कर देगा। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ, ये जो जिप है इससे तो ये ओपन और क्लोज हो रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जिप हो रहा है, ये जिप से ये देखो ये एक्सटेंड हो जाएगा थोड़ा बैग, अगर आपको पूरा 30 लीटर का करना है तो ये ओपन करेंगे आप तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा बैग। तो अभी तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। और यहाँ की जो कुशनिंग है ना भाई इतनी प्यारी है, और इधर मतलब कमर पे मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब पता है थोड़ा राइडिंग गियर के साथ पहनने में मेरे को यूज टू होने में टाइम लगेगा, बट भाई लाइट वेट है ये तो बिल्कुल ही। एक स्टैप इधर, एक ये पीछे, ये रहा मतलब फुल सेफ्टी, सही है, छोटा है तो बड़ा कर लेंगे, लाइट वेट है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा मेरे को। यानी ये हटा देते हैं इसकी पॉलिथिन, ये डिस्प्ले है इसका जो दो, जिसके लिए ये मशहूर है इतना, मतलब ये कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताते हैं, और कितने का है वो भी बताते हैं आपको भी। ये रहा पावर बैंक, फाइनली स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसको। अच्छा पहले ऐप को कनेक्ट कर लेते हैं, फोन कर दिया। नॉर्मल कोई भी पावर बैंक आप इसमें लगा सकते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ कंपनी वाला अच्छे लगाओ, जैसे ये एम्ब्रेन का है, काफ़ी अच्छा कंपनी है, इनको लोकल मत लगाना, क्या पता क्या हो जाए, है तो मशीन ही तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा ही पावर बैंक लगाएं, फालतू पावर बैंकों से दूर रखें। करें स्टार्ट, मैंने पावर बैंक इसमें लगा दिया है, अब शायद अपने को फ़ोन से कनेक्ट करके ही ये स्टार्ट होता है। तो कैसे कनेक्ट करना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर ये ऐप अपन ने ओपन कर ही रखा है, ब्लूटूथ पे गए, फिर ब्लूटूथ अपना ऑन कर लो, और जो स्कैनर्स के ये जो आ रखे हैं पाउच छोटे से, टैप टू स्कैन ही कर लो, और ये देखो स्कैन करते ये हो गया इधर कंफर्म। तो ये ऐसे सर्च करने के बाद कनेक्ट भी हो जाएगा, और ये इधर ये भी आ जाएगा, हो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो फाइनली ऑन करने जा रहा हूँ। कौन सा आइज करिए पहले, ये वाला करते हैं डेडपूल टाइप सा, और 1 2 3 ये भाई बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा इसके अंदर यहाँ पे आप ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, अभी तो ये ऑटोमेटिक पे है, तो इसमें जितने भी एनिमेशन आपको दिख रहे हैं ये सारे आएंगे। गजब लग रहा है, सही बता रहा हूँ, इसको रोड पे लेके निकल गए ना भाई, तबाही हो जाएगी, तबाही चीज है ये। मेरा फेवरेट ये था, ये डेडपूल जैसी सी आंखें, और ये नारुतो की, भाई कॉमिकॉन के अंदर जाऊंगा ना यही वाली आंखें लगाऊंगा, मैंने सोच रखा है। तो इसके अंदर आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, देखो कई सारे यहाँ पे ऑलरेडी ये दे रखे हैं आंखें,
और आप इसमें चाहें तो जैसे कि कुछ फ़ोटो हो गया, नाम हो गया, यहाँ से सीधा कस्टमर डाय पे गए और इधर खुद आप अपना कुछ बना सकते हो, लिख सकते हो कि जैसे टेक्स्ट या फ़ोटो पिक्चर कुछ भी करना हो। अभी हम वो भी कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे ये ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है। अभी इसकी ब्राइटनेस फुल है, ये मैंने कम कर दी तो ये कम भी हो जाएगी, बट हम तो फुल ही रखेंगे। तो भाई बैग की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और मतलब स्क्रीन टच करने पे है ना, क्वालिटी इसकी प्रीमियम है बहुत। मतलब आप इतना पैसा देंगे तो ऑब्वियसली मिलेगा। देख इसकी आँखें, तो इसके अंदर अपन काफ़ी सारे एनिमेशंस कर सकते हैं और अच्छा लग रहा है यार बैग। अभी देखो ये लाइट के अंदर मैंने कर रखा है, खूब अच्छा दिख रहा है यार। अभी डे लाइट है फिर भी ये काफ़ी अच्छा विजिबल है, रात के अंदर तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। डे में भी अगर आप इसको लेके बाहर जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं, बट ये बहुत दिखेगा। नारुतो की आँख। चलो ज़रा टेक्स्ट इसके अंदर कुछ करते हैं, वो भी पता चल जाए ज़रा टेक्स्ट कैसे दिखते हैं। अपने चैनल का नाम ही करते हैं। चलो देखो ऐप के अंदर गए, ये डाय लिखा है इसके अंदर गए, देन इस पर क्लिक किया, फिर ऐड टेक्स्ट के अंदर बस सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। कलर चूज़ करने के अंदर काफ़ी टाइम लग रहा था तो मैं देखा कि कोई सा ही कलर कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं अब कैसा आएगा। लॉक कन्फर्म कर दिया, ये लो भाई अपने चैनल का नाम भी आ गया इसी के अंदर। सही है, अपने चैनल का आना भी चाहिए हमारे पास जो है ये बैग। सोच रहा हूँ अब चैनल का नाम बदल देता हूँ, फ्यूचर एस्थेटिक से फ्यूचरिस्टिक कर लेता हूँ। अब बैग ही कुछ ऐसी चीज आ गई है अपने पास। अभी तो इसको रोड पे लेके निकलेंगे ना तो देखना भाई आग लगने वाली है, आग राड़े चला देंगे। तो और भी किसी चीज़ को लेके अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा यूज़र मैनुअल इसमें दे रखा है, उसको भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। बाकी तो आपने भाई की वीडियो देख ही लिए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इंस्टा पे DM करके भी पूछ सकते हो मेरे को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से लेना है, कितने का है, कैसे लेना है। तो ये हमारे को टोटल इसकी कॉस्ट पड़ी है डिलीवरी चार्जेस मिला के 13,000। ये मंगवाया कहाँ से भाई, बहुत दूर से आया है। जैसा कि मैं पूरे मुंबई के अंदर मैंने छान मारा, ये कहीं पे भी आपको किसी भी शॉप पे नहीं मिलेगा। वादे कर देंगे वो लोग बस कि हाँ सर आपका नंबर दे दो, ये दे दो, हम आपको कॉल कर लेंगे जब भी ये बैग आएगा। हो सकता है कुछ एडवांस भी मांग ले, मत देना भाई, बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलने वाला ये आपको मुंबई के अंदर। तो अभी तक बैग ये जो अभी बैग है वो यही है, एक सिंगल और फर्स्ट पीस यही अभी तक है हमारे चैनल के पास। तो ये आया है दिल्ली से और फर्स्टली इंडिया के अंदर भी ये दिल्ली में ही आया था और अब बैंगलोर में भी ये अवेलेबल है कुछ शॉप्स पे। तो दिल्ली के अंदर अपना भाई रहता है ये, जिसके बर्थडे पे अपन गए थे सेप्टेम्बर में, गुड़गांव में रहता है, बट उसको मैंने बोला कि देन दिल्ली जाओ भाई एक बार देख, क्योंकि जिस शॉप से मैंने मंगवाया जो बढ़िया है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कौन सी है। सेकंड ऑनलाइन मंगवाया जा सकता था बट मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, मैंने देखा कि एक बार अपने दोस्त को वहाँ भेजता हूँ, देन वो गया, उसने देखा चीज़ उसको अच्छी लगी, उसने फिर यहाँ पे हमारे को कुरियर करी। तो ऐसे ही ये बैग हमारे पास आया। तो भाई ये खुद खड़ा भी होता है क्या बैग, ये तो किसी ने नहीं बताया था। नहीं अच्छा इसके यहाँ पे ऐसा भी तो है, ये चीज बहुत बढ़िया है। रोड पे लेके निकलेंगे भाई, जल्दी निकलेंगे, चेन्नई की राइड आने वाली है भाई, सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो। और मुंबई टू गोवा की अगर अभी तक जर्नी नहीं देखी तो जाके देखना, सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मुंबई टू गोवा, उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसने भी वहाँ पे अपन ने एक्सप्लोर किया वो सब आपको मिलेगा। तो चेन्नई की राइड पे ये चलेगा मेरे साथ फर्स्ट राइड पे, और यहाँ पे एक अपना नाम लिखवाएंगे चैनल का जो भी मस्त लगेगा। और फाइनली यार ये बैग आ गया है मेरे पास, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मतलब मैं सोच रखा था लूंगा, फिर अचानक ही प्लान बन गया भाई अब तो लेना ही है, मुंबई पे किसी के पास नहीं, अब तो लेंगे ही लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना अपने पूरे बाइकर गैंग के साथ। और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर एस्थेटिक को सब्सक्राइब करना, फिर ये चैनल मेरा नहीं रहेगा हमारा हो जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Careful with your pretty eyes and run with me, you're done. Cause you and I